नमस्ते। चलिए आज हम साउथ इंडियन डिश रसम वड़ा बनाने जा रहे हैं। पहले हम रसम बनाएंगे। रसम के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमने प्याज कट करके रख लिया है, जीरा डालेंगे, 8-10 काली मिर्च डालेंगे, मिर्ची, लहसुन, 1 इंच अदरक है, करी पत्ता ये बोलते हैं, उसको थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। दरदरा पीस लिया है, आप मिक्सी से में भी पीस सकते हैं या फिर कद्दूकस कर लीजिए। और हम इमली का पानी लिए हैं, उसको इसमें मिला के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। डाल देंगे थोड़ा हींग, डाल देंगे सरसों, मिर्ची, करी पत्ता, पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। ये भुना दिया है, टमाटर और इमली का जो पेस्ट बनाए थे उसको हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, सांभर पाउडर, आप रसम पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम पकने के लिए छोड़, ये बॉयल होने लगा है। तुअर दाल जो पहले ही हमने बना के रख लिया था उसको हम डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। ये रसम बनके तैयार हो गया। देखिए कितना लाजवाब और टेस्टी रसम है। हमने एक कटोरी उड़द दाल लिया है, जिसको हमने रात भर भिगा के छोड़ दिए थे। अब हम इसको इसमें छान लेंगे। इसको हम इसलिए छाने हैं ताकि जब हम बड़ा का पेस्ट बनाएं तो उसमें एक भी बूंद पानी ना रहे। अब हम इसको पीस लेंगे। इस तरह से हम पीस लिए, एकदम महीन पीसना है इसको। मिर्ची और अदरक काट के डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये एकदम हल्का हो जाए। अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपल सा है, आप एक कटोरी में पानी लीजिएगा और इसमें ऐसे डाल के चेक कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा सुपर आ गया है। ऐसे तो आप बड़ा बनाते ही हैं, बस वही है। तेल गर्म हो गया है, इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरह से हमने सारा डाल दिया है। मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। हम सारा पलट देंगे। ये खाने में इतना अच्छा लगता है ना कि आप एक बार नहीं डेली और बार बार बनाएंगे आप, और बनाने में भी बहुत ईजी है। ये वड़ा हमारा तैयार हो रहा है, लगभग तैयार ही हो गया है। हम सारा पलट देंगे। ये खाने में इतना अच्छा लगता है ना कि आप एक बार नहीं डेली और बार बार बनाएंगे आप, और बनाने में भी बहुत ईजी है। ये वड़ा हमारा तैयार हो रहा है, लगभग तैयार ही हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। वड़ा बनके तैयार हो गया। अब हम किसके साथ खाएंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये रसम है, हम इसमें वड़ा डाल देंगे। ये रसम वड़ा बनके तैयार हो गया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है।